कहानी 41 परमेश्वर यीशु ने मरया हुआ मुँह जिलावै है। सैनिकां द्वारा यीशु ने क्रूस पर चढ़ाने के बाद यहूदी अगुआ पिलातुस ने कहो भी झूठे यीशु क्यों हो के वो 3 दिनों बाद मरया मुँह जी उठेगो कने ओ निश्चित करने खातिर कबर की निगरानी करने खातिर होवेगी के बिंगा चेला बिंगो शरीर चोर के ले ना जावे। जे बे इया करे है तो बे कहेगा के वो मरया हुआ मुँह जी उठ्यो है। पिलातुस कहो कुछ सैनिका ने ले जाइयो और जिया थे कर सको बिया कबर की निगरानी करो। ई खातिर बा कबर गए प्रवेश द्वार गए पत्थर पर एक मोहर लगा दी। बा ओ निश्चित करने खातिर सैनिका ने भी बिठा दियो के कोई भी बिंग शरीर ने चुरा ना सके। यीशु गए मरने के बाद गो दिन शब्द गो दिन हो कोई भी शब्द के दिन काम को नहीं कर सकतो। ई खातिर यीशु गो कोई भी मित्र कबर पर को नहीं आयो पर शब्द के दिन के बाद सुबह बहुत भोर ने कुछ स्त्रियां यीशु की कबर पर जान खातिर तैयार हुई। वे बिंगे शरीर पर और भी मसाला ने लगानो चाहती ही बा स्त्रियां गए पहुंचन मु पहला कबर पर एक बड़ो भूकंप होयो। स्वर्ग मु एक स्वर्गदूत आगे भी पत्थर ने लुढ़का दियो जिको कबर के प्रवेश द्वार ने डांके होयो हो और बिंगा ऊपर बैठ गयो। ओ स्वर्गदूत उजियाला गए समान चमके आवा हो कबर पर जिका सैनिक हा बा बिने देखो बे इता डर गया हा के मरणा गया समान जमीन पर गिर गया। जद बे स्त्रियां कबर पर पहुंची तो बी स्वर्गदूत बने के ओ ना डरो यीशु उठे कोनी वो मरया हो जी उठ्यो है। जिया बने के ओ हो के वो जी उठेगो कबर में खोजो और देखो। बा स्त्रियां कबर गए भीतर अर जठे यीशु गो शरीर राख्यो होयो हो बठे खोज करी अर देखो के बिंगो शरीर बठे कोनी हो। फिर भी स्वर्गदूत बा स्त्रियां ने कहो जागे बिंगे चेला ने बताओ यीशु मरया होया मु जी उठ्यो है अर बो थारे आगे आगे गलील ने जावेगो। बे स्त्रियां अचंभित हुई अर बहुत आनंदित हुई। बे चेला ने ओ शुभ संदेश सुनान खातिर दौड़ी। जद बे स्त्रियां चेला ने ओ शुभ संदेश सुनान खातिर अपने मार्ग ही तो यीशु बंगे ऊपर प्रगट होयो। बे बिंगे पैरा पर गिर गई। फिर यीशु कहो ना डरो जागे मेरे चेला ने गलील जान ने क्यों बे बठे मन ने देखेगा।